हेलो माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस लेसन का लास्ट टॉपिक अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, हमने डाइलेक्ट्रिक्स पढ़े थे, हमने क्या बोला था, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या ये बोल सकते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसका पोलराइजेशन हो जाता है, उसके अंदर क्या छोटे छोटे डाइपोल्स बन जाते हैं। इसके बाद हमने टू डेफिनेशंस पढ़ी थी, पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। देखो पोलराइजेशन वेक्टर क्या था, क्योंकि जब डाइपोल क्या हो जाता है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स बन जाते हैं उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं क्या करूँ, जो पूरा डाइपोल मोमेंट है उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, उसको क्या करूँ, उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो मुझे पोलराइजेशन वेक्टर मिलती है। या ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है जो न्यूमेरिकली किसके इक्वल आता है, चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी के। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, जो डाइपोल के जो किनारों के ऊपर इंड्यूस हो जाती है, मतलब छोटे छोटे डाइपोल्स बन जाते हैं डाइपोल के अंदर वाली साइड, उसकी वॉल्स पे भी तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन जाता था ना, ठीक है, उसको उससे हमने क्या निकाली है, सिग्मा पी, पोलराइजेशन इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पढ़ा था। ये क्या होता है, देखो क्योंकि हम क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक है उसका पोलराइजेशन होता क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका रीज़न मैंने आपको बताया हुआ है कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे एक तरफ फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े थोड़े डिस्प्लेस हो जाते हैं जिससे डाइपोल्स बन जाते हैं, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उतने ही ज़्यादा दूर शिफ्ट होंगे तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ही तो पोलराइजेशन वेक्टर होता है, तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो पोलराइजेशन वेक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो अपने ये बोल सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है पी वेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, वो कॉन्स्टेंट कौन सा था, एप्साइलन नोट इंटू काई। ये इधर देखो, ये वाला इधर, यहाँ पे फोकस करो, ये एप्साइलन नोट इंटू काई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई नोट लिखा हुआ है, ई नोट नहीं है, ये एप्सिलॉन नोट है, इसको सही कर लेना। और काई क्या चीज़ होती है, काई एक कॉन्स्टेंट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। एक्चुअली ये जो काई है, जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, ये हमको क्या बताती है, ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटांस की नेचर के बारे में बताती है कि वो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटांस कितना ससेप्टिबल है इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए। मतलब काई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा, मतलब उतना ही ज़्यादा वो पोलराइज्ड होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर तो कोई पार्टिकल्स होते नहीं, तो वो कभी भी कितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो वो कभी पोलराइज हो ही नहीं सकता, तो फिर उसके लिए काई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, ठीक है। और जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बिहेवियर बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे काई की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब हमको क्या करना है, ये जो काई है, ये जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, इसमें और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है के या एप्सिलॉन आर जिसको अपने बोलते हैं, उसके अंदर रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, वो रिलेशन फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे है, देखो हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे,
थोड़ा सा याद करवा दूँ, एक तो हमने बोला था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और दूसरा मैंने बोला था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो ई नोट माइनस ई पी, मतलब ये वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं रखा था, और ये वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में आ गया था। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सिग्मा पी की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा पी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और दूसरी बार एक जिससे सिग्मा पी की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला आता है उससे हम सिग्मा पी की वैल्यू निकालेंगे, इससे हमारे पास सिग्मा पी की टू वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड इक्वल होती है, तो उस राइट हैंड साइड को इक्वल पुट कर देंगे जिससे काई एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, ये मैंने क्या किया, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया, तो उसका पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। और पोलराइजेशन होने से क्या हुआ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया इसमें, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमको पता है ई वैक्टर इक्वल्स टू ई नोट माइनस ई पी। इसके बाद ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू दूसरे फॉर्मूले से सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये ई नहीं है एप्सिलॉन है, इसको सही कर लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ई की वैल्यू पुट कर दी, और राइट हैंड साइड में भी क्या किया, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं क्या चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में ले आया। तो ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा बाई एप्सिलॉन, राइट हैंड साइड में ई नोट की वैल्यू, ई नोट कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, बिना डाइलेक्ट्रिक वाला, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। और ई पी कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई पी है इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वैल्यू भी इंड्यूस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लिखनी पड़ेगी। तो ये मैंने लिख दिया सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नोट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, हमको पता है सिग्मा आर क्या होता है, सिग्मा बाइस सॉरी एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को अपने के बोलते हैं, जिससे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एप्सिलॉन नोट। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली इधर, ठीक है, पुट कर दी। राइट हैंड साइड में तो सेम टू सेम चल रहा है, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई इसको सॉल्व करके मैंने सिग्मा पी की वैल्यू निकाली, जो क्या आई, सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, इक्वेशन नंबर आ गई 1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हमारे पास इंड्यूस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन से जो फॉर्मूला आया था उससे सिग्मा पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो, जब हमने पोलराइजेशन वेक्टर पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था, पोलराइजेशन वेक्टर है उसकी वैल्यू इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है, तो इसलिए मैंने पी इक्वल्स टू सिग्मा पी पुट कर दिया। और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिविटी वाले फॉर्मूले में मैंने पी की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, एप्सिलॉन नॉट काई ई, तो पी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट है, सही कर लेना, एप्सिलॉन नॉट काई ई इक्वल्स टू सिग्मा पी। फिर उसके बाद सिंपल है, ई की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन रख दी, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट के रख दी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो सिग्मा पी की मेरे पास वैल्यू आ गई सिग्मा काई बाई के, ये एक्स नहीं है, काई, काई मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा एक्स बनाना होता है, ऐसे करके ऐसे, ये काई है, एक्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब हमारे पास देखो सिग्मा पी की टू इक्वेशंस आ गई है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल करना होता है, कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, कॉमन वगैरह लेके सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और काई एंड के बीच हमारे पास रिलेशन आ गया, क्या आया, ये के इक्वल्स टू वन प्लस काई। इस पे क्या एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे आपको बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 39 है, तो फिर जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है
उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई। अगर आपके पास काई की वैल्यू गिवन है, मैंने क्या बोला, क्या बोला था, भूल गया, चल छोड़ो। सपोज़ काई की वैल्यू 29 है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 29 दैट इज़ 30। या ये बोल देगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 32, तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना, 32 = 1 + काई, तो 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, वो काई की वैल्यू आ जाएगी 31। इसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो आज तक एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आया, लेकिन आपके सिलेबस में है तो कर लेते हैं। ऐ कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, बस जैसे हमने ये रिलेशन फाइंड किया है ना, 90% सेम ही कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है देख लो, जैसे पहली इक्वेशन तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E0 - EP। अब देखो जब हमने रिलेशन फाइंड किया था तो लेफ्ट हैंड साइड में E की वैल्यू E की वैल्यू σ/ε पुट की थी। इसमें क्या करना, मत पुट करना, इसमें क्या करना, सिर्फ राइट हैंड वाली जो इक्वेशंस है, राइट हैंड वाली जो टर्म्स है उनकी ही वैल्यू पुट करनी है। तो E0 की वैल्यू पुट कर दी σ/ε0, EP की वैल्यू पुट कर दी σ/P/ε0 कर दी, कॉमन वगैरह लेके क्या करो। अब देखो सिग्मा पी क्या होती है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू पोलराइजेशन वेक्टर पी के इक्वल होती है। तो फिर सिग्मा पी को मैंने किसके इक्वल रख दिया, सिग्मा पी को पोलराइजेशन वेक्टर पी के इक्वल पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, E = σ/ε0 - P/ε0। इससे आप सिग्मा की वैल्यू निकाल लो। तो इससे सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शफल वगैरह करके, ये सिग्मा की वैल्यू मैंने निकाली। सिग्मा की वैल्यू क्या है, εe + P। अरे यहाँ पे बहुत गलती है, इसको सही लिखना, ये है, अरे यार εe, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये प्लस में क्या है εe + P = σ। ये जो है εe + P, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, ठीक है। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, σ/ε0, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा से रिलेटेड था, है ना, तो वैसे ही जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी सिग्मा से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा इसका रोल वैसे ही होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये लिखा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ये कैपिटल डी आएगा, कैपिटल डी वेक्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू सिग्मा। सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट देन कॉरस्पॉन्डिंग रोल इज टेकन अप बाई डी, मतलब डी का रोल इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल लगभग सेम सा हो जाता है, ठीक है। कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल भी यूजफुल टॉपिक नहीं है ये। तो अपना ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो पूछ लेना। और जो पहले, वैसे तो 3 चैप्टर्स हैं जो अपने फिजिक्स के, उनमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, उसके बाद जो चैप्टर्स हैं 4th, 5th, 6th, 7th आगे जो भी है, उनमें क्या 10 to 15 न्यूमेरिकल्स मोर देन सफिशियंट होते हैं, उसमें थ्योरी ज़्यादा आती है। लेकिन 1st, 2nd, 3rd चैप्टर इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल का भी लर्न नहीं किए जाते, आप न्यूमेरिकल को पढ़ने लग जाते हो, एक बार आ जाते हैं फिर भूल जाते हो। वो क्या है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, वो मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करता। आपको क्या करना होता है, न्यूमेरिकल देखना है, पहले तो थ्योरी ढंग से पढ़ लेनी है, फिर न्यूमेरिकल देखना है, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो फिर उसका सॉल्यूशन देखो। अगर आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया, आपको लगता है कि हाँ अच्छी तरह से समझ आ गया, फिर 3-4 दिन बाद आओ, उस न्यूमेरिकल को दोबारा करो, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से न्यूमेरिकल आएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि पोटेंशियल निकालना है तो ऐसे निकालना है, करंट निकालना है, चार्ज निकालना है तो ऐसे निकालना है, एनर्जी निकालनी है तो ऐसे निकालनी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ऐसे अपने को एक एक न्यूमेरिकल को याद थोड़ी रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, न्यूमेरिकल कोई मर्जी आ जाए,
सारे कर दोगे। ओके, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग।